हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक। तो यार कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा आपको जो वॉल्यूम कंट्रोल है मी यूआई के ऑफिशियल जो होते हैं वो पसंद है, या ये न्यू वाले जो मी पैड में देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वन हैंड यूज़ करने में भी काफ़ी यहाँ पर आसान हो जाते हैं। तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कौन से पसंद हैं। अगर आपको ये न्यू वाले पसंद है तो आप अपने डिवाइस में इसे ला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक छोटा सा ट्रिक है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यार अभी जो है वो मी यूआई 14 विद एंड्रॉइड 13 जो है हमें कुछ इस प्रकार के यहाँ पर जो है वो म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप टैप करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार की लेआउट आ जाती है। तो यहीं से आप यहाँ पर ये सब जो है वो कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं, अलार्म का एंड ऑल दैट, तो अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पर जो न्यू वाले हैं यार, जो हमें मी पैड्स में देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है वो मी का साइन देखने को मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप टैप करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे यहीं से आप जो भी है सेम ही है, बस थोड़े से यहाँ पर वन हैंड यूज़ के लिए ठीक हो जाते हैं। और मेरे को देखने में ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, छोटे से हैं तो एक अच्छी लुक आपको देखने को मिल जाती है। तो आप जो है अपने डिवाइस में इसे ला सकते हैं। अब मेरे को पता नहीं है ये किन किन डिवाइसेस में वर्क करता है, तो आप ट्राई कर लीजिए, मेरे हिसाब से सभी डिवाइसेस में कर ही जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सीधा क्या करना भी आप देखेंगे, मेरे जो है वो नॉर्मल कंट्रोल हैं और यहाँ पर मी यूआई 14 विद एंड्रॉइड 13 यहाँ पर चल रहा है। तो आपने सीधा जो है थीम स्टोर में जाना है, आपको न्यू थीम स्टोर जो है वो देखने को मिल चुका होगा, जो न्यू लेआउट है इस प्रकार की। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आकर जो है आपने एक बार, तो यहाँ पर आकर थीम में जाना है और यहाँ पर आकर आपने सर्च कर लेना है। मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो इसके स्पेलिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर BLINDADOV2, तो ये जो है वो थीम है, इसको आपने जो है वो सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो ये ज़्यादा जो है वो भारी है थीम नहीं, आपको पूरा थीम भी यूज़ नहीं करना है, बस आपको जो है एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है जिससे ये आपका काम हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने एग्ज़िट हुआ, तो यहाँ पर वापस गए, वापस जाते हैं और यहाँ पर अकाउंट में आते हैं, कस्टमाइज में आते हैं और यहाँ पर आप देखें स्टेटस बार को आपने ये वाले थीम में जो है वो अप्लाई कर देनी है। तो ये बस स्टेटस बार करनी है और कुछ नहीं करना है, पूरा थीम जो है आपका वैसे का वैसा जो ऑफिशियल। आप देखें बैटरी आइकॉन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आपका जो है कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको अगर देखने को नहीं मिलते हैं तो आपने अपने डिवाइस को एक बार जो है वो रीबूट कर लेना है। तो मैं रीबूट करके अभी आपको जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको न्यू वाले जो है कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आपको यार ये जो क्लॉक पसंद है, ये भी इस थीम के साथ ही आती है, बस आपने थीम स्टोर में जाना है और आपके जो विजेट सेक्शन में चले जाना है यहाँ पर, तो आपको विजेट सेक्शन में ये जो है वो थीम ये क्लॉक भी मिल जाएगी, तो आप इसे भी लगा पाएंगे। तो अच्छी क्लॉक है, वेदर दे देती है नोल दैट, तो अच्छा है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पसंद है तो सिंपली इस थीम को जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए और फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो यार ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।